नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ की घोषणा भले ही सरकार ने 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के लिए की हो, लेकिन धार्मिक रूप से धर्मनगरी हरिद्वार में पतित पावनी जगत तारिणी माँ गंगा के पावन तट पर कुंभ 2021 का आगाज हो चुका है। निरंजनी अखाड़े के रमता पंचों की जमात ने धर्मनगरी में प्रवेश कर लिया है और यह रमता पंचों की पहली जमात है जो शाही स्नान के लिए हरिद्वार आई है। गाजे बाजे और भगवान शिव के उद्घोषों के साथ शुरू हुई जमात हरिद्वार के विभिन्न इलाकों से होते हुए SM जैन डिग्री कॉलेज में बनी छावनी में जमात ने प्रवेश किया। हरिद्वार के जिन भी इलाकों से भगवान शिव का उद्घोष लगाते हुए जमात गुजरी, वहां साधु संतों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर जमात का भव्य स्वागत किया। इस बीच लोगों की भीड़ भी उमड़ी रही साधु संतों का आशीर्वाद पाने के लिए। साधु संतों के शिव उद्घोष के साथ जैसे जैसे ये जमात आगे बढ़ रही थी, धर्मनगरी हरिद्वार में अलौकिकता का वातावरण स्थापित होता चला गया था। और जैसे ही जमात ने SM जैन डिग्री कॉलेज में प्रवेश किया तो यहाँ पर मेला अधिकारी समेत हरिद्वार के विभिन्न अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जमात का भव्य स्वागत किया। आप भी देखिए हरिद्वार में साधु संतों की, रमता पंचों की, जमात की ये भव्यता।
पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का नगर प्रवेश हुआ है। नगर प्रवेश का मतलब ये है कि जो हमारे साधु संत महात्मा पूरे भारत वर्ष में सनातन धर्म का प्रचार करते रहते हैं, जब कुंभ आता है तो वो एक जगह आकर के इकट्ठा होकर के फिर वहां से नगर प्रवेश करते हैं। मतलब आज से मेले का शुभारंभ हमारे अखाड़े का हो गया है। हम लोग अभी अब जो अपना ही कॉलेज है एसएम जैन डिग्री कॉलेज, वहां पे रह करके साधु संत अपना पूजा पाठ करेंगे। 3 मार्च को यहां से हम लोग विधिवत, जिसमें हमारे नागा भी सन्यासी तब तक आ जाएंगे, विधिवत वहां से हम लोग पेशवाई शोभा यात्रा के माध्यम से पंचायती अखाड़ा सिरेंद्र जी को छावनी मेला छावनी वहां प्रवेश करेंगे। इस समय हमारे साथ हमारे अखाड़े सचिव हैं महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, राम रतन गिरी महाराज, आपके कई मनीष भारती जी हैं, कई लोग ऐसे हमारे साथ में है। और जो हमारी परंपरा है, जब नगर प्रवेश होता है तो मेला अधिकारी और उप मेला अधिकारी दोनों आकर के संत महात्माओं का स्वागत अभिनंदन करते हैं। उसी परंपरा का पालन हमारे मेला अधिकारी रावत साहब और हरवीर सिंह जी ने किया है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई और धन्यवाद, साधुवाद सब संतों की तरफ से। इनका परिवार सुखी रहे, इनका नहीं, पूरे मेला क्षेत्र में जो लगे कर्मचारी सबके परिवार सुखी रहे। लेकिन आज चूंकि हमारा स्वागत किया है तो इनका परिवार को हम लोग कोट कोट देते हैं आशीर्वाद।